गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग योर नेक्स्ट चैप्टर्स एज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन का बनाएंगे। आइए देखते हैं। Prove that cosec theta minus cot theta to the power 2 is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. We take LHS is equal to cosec theta minus cot theta to the power 2 is equal to cosec theta का फॉर्मूला होता है 1 by sin theta। यहाँ लिखेंगे 1 by sin theta। cot theta का फॉर्मूला होता है cos theta by sin theta। यहाँ लिखेंगे cos theta by sin theta to the power 2। अब हम लोग LCM लेंगे sin theta का, तो sin theta से भाग दो sin theta 1, 1 से 1 से multiply करो तो 1, फिर sin theta sin भाग दो तो 1, 1 से cos theta से तो cos theta to the power 2। अब हम लोग a by b to the power m पढ़ लिए थे, तो 1 के power m by b to the power m। अब इस फॉर्मूला पर लगाओ तो 1 माइनस cos theta टू दी पावर 2 बाय sin स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग 1 को 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ऊपर वाला स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, अब जो बच गया तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमें प्रूफ करना था। RHS प्रूफ्स। आपका यह खत्म हुआ।